चाहिए, खुशियां बांटी है, तो आप हमारी खुशी में आप शामिल होंगे और डेफिनेटली हम आपको शामिल करना चाहेंगे भी, दुआएं देना चाहेंगे। की जिम्मेदारी है, एक ज्यादा कुछ आप नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली बात है, लेकिन आपके हाथ में जो है आप सिर्फ वही कर सकते हो कि अपने पार्टनर को थोड़ा सा उसको ऐसा फील करवा सकते हो कि चलो तुम तकलीफ जो सह रही हो वो मैं नहीं बांट सकता, बट उस तकलीफ में मैं भी हूँ। क्योंकि जो मेरा लास्ट स्कैन हुआ था उसमें जो फ्लूइड होता है वो थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा एक्सेस था, तो डॉक्टर ने बोला था कि हम थोड़ा ध्यान रखेंगे और 28th वीक में जो आप लोगों ने शोएब के ब्लॉग में मेरा जो ब्लड टेस्ट हो रहा था जिसे गेस्टेशनल चैलेंज टेस्ट बोलते हैं शायद, ऐसा बहुत लोगों ने कमेंट भी किया है। आप सभी जानते होंगे कि दीपिका की प्रेगनेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा है। दीपिका शो इब्राहिम ने जब से प्रेगनेंसी अपने फैंस के साथ शेयर की है तभी से कुछ हेटर्स टॉलर्स का कहना है कि दीपिका की प्रेगनेंसी फेक है, और ये तक कहा कि दीपिका की प्रेगनेंसी IVF से कराई गई। अब इसमें आखिर सच क्या है, IVF या फिर फेक प्रेगनेंसी? ये तक कह डाला कि दीपिका का जो बेबी बम दिखाई देता है तो दीपिका तक ये मानती है और वो तभी सोशल मीडिया पर शो करती है। जब दीपिका के बारे में ऐसा कहा गया तो काफी ऐसे फैंस हैं जिनको लगा बुरा। स्टार्टिंग से ही दीपिका के बारे में काफी कुछ बोला जा रहा है, जब से प्रेग्नेंट हुई है तब से ही कुछ ना कुछ ट्रॉल किया जा रहा है। दीपिका शो इब्राहिम को जब ये बात मालूम हुई तो उन्होंने बोला भी, ट्रॉलर्स को दिया भी जवाब, लेकिन फिर भी ट्रॉलर्स और हेटर्स रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। आप दीपिका की फिगर को देखकर बता सकते हैं कि दीपिका प्रेग्नेंट है या नहीं, और दीपिका का फिगर से साफ ये जाहिर होता है कि वो प्रेग्नेंट है। दीपिका शो इब्राहिम चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो, तभी दीपिका बराबर जिम जा रही है, वॉक करती है और काफ़ी वो तकलीफ भी सह रही है, लेकिन हिम्मत नहीं हारती, चला नहीं जाता, अगर चलती हैं तो सूजन आ जाती है पैरों पर। जब एक औरत को कहा जाता है कि फेक प्रेगनेंसी है और तकिए बांधे जाते हैं तभी बेबी बम दिखाया जाता है तो जाहिर सी बात है एक औरत को गुस्सा आएगा। आपका क्या कहना है इस बारे में तो कमेंट्स में लाजमी बताएगा। वीडियो पसंद आए लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।